साथियों, गरगट्टी परसुली ग्राम पंचायत कुसुमबुड़ा के कोयला भट्टा मोहल्ले में पिछले 10 वर्ष से यहाँ के आदिवासी इस जगह पर निवासरत हैं, लेकिन आज तक उन्हें पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हालांकि उस गांव में 3-3 हैंडपंप है, लेकिन वहां का पानी पीने लायक नहीं है। वहां के दूषित पानी को पीने से लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ता है। हम लोग नहा खोरे खाए पिए के सब के तकलीफ, पानी में ज्यादा सरहा पानी पिया थे, मलेरिया मरा था, बरसा आदमी भारी मलेरिया होती, गंदा पानी नाला के जंगल के आते तब पीबो तो काला नहीं धरी, सर्दी खांसी बुखार तो धान अच्छा कल हो गई सब देखा भाई, यह लबारी धान धान वहाँ पानी आना थी। झरिया के पानी भी पीतो? हाँ, झरिया के पानी पीता, अब ऊपर ले गिरही तो वो पानी है मैलहा उठेगा, अब जाए आल नहीं सकन पूरा में तन वही छान के पीठन दबका के। तो बरसात दिन में फिर कैसे करते हो? बाढ़ आते ना तब पूरा यही पानी पीथन गरम कर उबाल उबाल के पंचायत में जाथन बोलथन तो हाउ हाउ ऐसे कई के बस बोलती पूरा सरपंच सचिव मन है, बाहर से भी आ रहे तहु साहब मन है, फिर आज तक कोई काम होना शुरू नहीं हुआ। गार्गट्टी परसुली के कोयला भट्टा मोहल्ले वासियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाई जाए, जिसके लिए यहाँ गरियाबंद जिला के कलेक्टर माननीय श्री निरंजन दास जी के मोबाइल नंबर 9425211004 पर फ़ोन करें और हैंडपम्प को सुधरवाने और पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ कॉल करें। मैं हूँ रीना, ग्राम गार्गट्टी परसुली कोयला भट्टा, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।